हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने संस्कृत का बेसिक क्लास स्टार्ट किया है और कल पहला वीडियो यानी कि लेक्चर वन अपलोड भी हो चुका है। तो आज हम जो है दूसरा क्लास यानी लेक्चर टू देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, जहाँ तक कल पढ़े थे उससे आगे आज हम देखेंगे और कुछ नए नए चीज़ भी सीखेंगे। तो कल देखो हम लोग जो है सभी का जैसे कि संस्कृत देख लिए थे, ठीक ना। सबसे पहले तो लट लकार वर्तमान काल का फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे? ती था अंति, सी था थो, आमी आवा आम हम, ये देख चुके थे। फिर इस पर जो दो तीन जो है धातु को भी क्या किए थे, सेट किए थे। जैसे गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छाम। इसके अलावा और क्या देखे थे? और हम लोग जो है कुछ चीज का संस्कृति भी देख रहे। जैसे वह, वह यदि पुरुष के लिए आया था, ठीक ना। वह का क्या था? स, वे दोनों, तो वे सब, ते। और स्त्रीलिंग के लिए वह का सा, वे दोनों, ते, वे सब, ता, साते, ता। और जो सब के लिए था वो था तुम का क्या था? तुम का तुम दोनों, युवाम, तुम लोग, युयम। मैं का अहम, हम दोनों, आवाम, हम लोग, वयम। आज उससे थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज अनुवाद सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अनुवाद सीखेंगे, ठीक है। जब हम लोग लगाएंगे अनुवाद करें, जितना सीखे उसके अनुसार अनुवाद करेंगे, उसके बाद फिर और आगे सीखेंगे अनुवाद करें। जैसे मान लो पहला तुमको दिया, मान लो गच्छ से लेते, ठीक ना, गच्छ से लेते, वह जाता है, वह जाता है। फिर मान लो देगा तुमको कि वहां के बाद लिखा है वे दोनों, मान लो वे दोनों जाते हैं, वे दोनों क्या करते हैं, जाते हैं। उसके बाद ये देगा वे सब जाते हैं, वे सब या फिर वे लोग, वे सब जाते हैं। मान के जैसे लड़की के लिए देगा तो वह जाती है, वह क्या करती है, जाती है, ठीक ना, वह जाती है। पांचवा होगा जैसे कि वे दोनों जाती है, वे दोनों जाती है। अगला क्या होगा, कल पढ़ाए थे ना, उसे आगे करो। वे लोग जाती है, वे लोग जाती है, ठीक ना। वे लोग जाती है। अगला देखो, अगला अगर वे लोग, जैसे मान लो तुम जाते हो, बस अभी जाते पे बस सीख है, ठीक ना, बस समझ के अनुवाद पे बस हाथ हम पकड़ रहे हैं। तुम जाते हो, उसका तुम के बारे क्या था कि तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। उसके बाद होगा माने तुम सब या तुम लोग जाते हो। और भी होगा, ठीक ना, कि जैसे मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम लोग जाते हैं। चलो एक लिख देते हैं यहाँ पे, मैं जाता हूँ 10 कर देते हैं। मैं जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ठीक ना, कि हमको करना क्या, इसका ट्रांसलेट करना है किसमें, संस्कृत में। तो वह जाता है, देखो ये बोल के लग रहा है कि लड़का जा रहा है ना। वे दोनों जाते हैं, यहाँ लड़का जा रहा है, वे सब जाते हैं, लड़का ही जा रहा है। तो लड़का के लिए देखो, पुल्लिंग के लिए देखो कि वह का संस्कृत क्या लिखाए थे। तो पुल्लिंग के लिए देखो कि वह का लिखाए थे, पुल्लिंग के लिए सह, कहते हैं ना। वे दोनों का लिखाए थे पुल्लिंग के लिए तो, क्या लिखाए थे, तो। और वे सब या वे लोग का लिखाए थे सह तो ते। अब बताए थे कि सह के संग में लगेगा ती, क्या लगेगा, ती। तो के संग में लगेगा तह, और ते के संग में लगेगा अंति, ठीक ना। इसके आधार पर तीन करते हैं,
तो वहां का संस्कृत क्या लिखेंगे? सह। वहां का क्या लिखेंगे? सह। अब जाता है जाना का होता है, ठीक ना, जाना का जो है होता है जाना का गच्छ। गच्छ ये किसका होता है? जाना का। जाना क्या होता है? गच्छ। क्या लिख देंगे? सह गच्छ। ठीक है, अब देखो सह के संग में अंत में क्या लगाते हैं? ती लगाते हैं ना। सह के संग में अंत में क्या लगाते हैं? ती। यहाँ पर हो गया तो वो गच्छति। क्या हो गया? सह गच्छति, वह जाता है। सह गच्छति वह जाता है। अब देखो वे दोनों, वे दोनों का लिखे हैं लड़का के लिए तो। तो ये तो वो सेंटेंस पढ़ के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य लड़का के लिए है और कौन सा वाक्य लड़की के लिए। वे दोनों जाते हैं तो लग रहा है ये लड़का ही जा रहा है। तो और जाना क्या होता है? गच्छ। जाना क्या होता है? गच्छ। ठीक, उसके बाद देखो तो के संग में अंत में लगाते तह। क्या लगाते हैं? तह। क्या बन गया? गच्छतः। तो गच्छतः। वे सब जाते हैं लड़का के लिए। देखो वे सब का होता है ते। समझ रहे ना? वे लड़का के लिए वे सब क्या होता है? ते। और जाते हैं जाना क्या होता है? गच्छ। जाना का गच्छ। और लास्ट में क्या रहेगा? अंतिर। क्या बताते हैं ऐसा वाला सिस्टम है, ओ हटा दो बोले थे ना, ओ हटा देकर क्या बचेगा? नो तो संजु भर्ती का अंति गच्छन्ति। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं या वे लोग जाते हैं। और आगे देखते हैं, फिर क्या दिया? वह जाती है, ठीक ना। तो लड़की के लिए देखो वह का होता है मन की तरह पुरुष पुल्लिंग। स्त्रीलिंग के लिए देखो वह का क्या होता है? स्त्रीलिंग के लिए कल वह का बताते हैं सा। क्या बताते थे? सा। उसके बाद जो स्त्रीलिंग के लिए भी दोनों का बताए थे ते। और स्त्रीलिंग के लिए वे लोग या वे सब का बताए थे, ठीक ना, वे लोग या वे सब दोनों होता ता। सा के संग में क्या बताए थे? ती। ते के संग में सर। तह। और ता के संग में अंति, ठीक ना। देखो वह जाती है तो वह का क्या होगा? स्त्रीलिंग के लिए लड़की के लिए सा। जाना क्या होगा? गच्छ। और ती गच्छति, सा गच्छति। अगला देखो वे दोनों जाती है तो वे दोनों क्या होगा? तो वे दोनों का होगा सा ती। जाना का गच्छ। और दो में क्या रहता है? तह गच्छत, ते गच्छत। वे लोग जाती है या वे सब जाती है? वे लोग का तह। जाना का गच्छ। और वे लोग में रहता अंति गच्छन्ति। तह गच्छन्ति, अब तुम जाते हो। तो कल जो है तुम का क्या बताए हैं? तुम का बताए त्वम। तुम का क्या बताए हैं? त्वम। तुम का त्वम। तो त्वम को दो तरीका से लिख सकते, या तो ऐसे या फिर ऐसे त्वम, ठीक ना। या तो मो को यहाँ लिख दो या फिर मो को यहाँ लिख दो, पढ़े अनुसार को यहाँ मो पढ़ेंगे त्वम। उसके बाद तुम दोनों का कल बताए थे, इसको याद करो अच्छे से, काम आएगा पूरा। तुम दोनों को बताए थे त्वम के बाद युवाम। युवाम भी ऐसे भी लिख सकता, ठीक ना, या फिर लिख सकता ऐसे ऐसे अनुसार युवाम। उसके बाद तुम लोग का बताए थे, तुम लोग का क्या बताए थे? त्वम युवाम यूयम। यूयम यार ऐसे या फिर ऐसे। तो तुम जाते हो, ठीक ना। उसके बाद और इसमें क्या बता रहे? देखो और बता रहे कि तुम जो है त्वम के संग में क्या लगेगा? तो त्वम के संग में लगेगा सी। क्या लगेगा? सी अंत में। उसके बाद युवाम के संग में लगेगा थ। वयम यूयम के संग में लगेगा थ। अब करो यहाँ पे तुम जाते हो, तुम का क्या था? त्वम। तुम का तुम या तो ऐसे लिखो, ऐसे मन है तो ऐसे लिखो, ठीक ना। बहुत जगह ऐसा भी रहेगा कंफ्यूज नहीं आना इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों को भाई तुम ही पढ़ेंगे, ठीक ना। दोनों का मतलब तुम होता है तुम। जाते हो और जाना क्या होता है? गच्छ। जाना का गच्छ। तुम में क्या लगता है वहां पे? सी गच्छसी। कहीं यदि लिखा रहे तुम गच्छसी मतलब समझ आ तुम जाते हो, इसका हिंदी क्या होगा? तुम जाते हो। देखो तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों का था युवाम। तुम दोनों क्या होता है? युवाम। जाना का था गच्छ।
दोनों में था था कच्चा था ठीक ना क्या का कच्चा था तो तुम लोग जाते हो तुम लोग का यूयम यूयम ठीक ना और जाना का गच और यूयम के संग था थो गच्छत तो मैं जाता और मैं का कल क्या बताए थे मैं का बताए थे हम मैं का तुमको बताया गया था अहम क्या बताया गया था अहम या तो ऐसे लिख दो किसी को ऐसे मानना है तो ओ हो अनुस्वर अहम अहम के संग था आमी इसके संग क्या बोलते क्या लगेगा अंत में आमी तो मैं जाता हूँ तो मैं कहा गया तुमको अहम अहम जाना का गया गच जाना का गच अब क्या यहाँ पे लास्ट वगैरह आमी ओ हटा के पढ़ लिख दो ओ हटा क्या बचा आकर मोहर्षि का बचा ना गच्छामी अहम गच्छामी कहीं लिखा अहम गच्छामी समझना मैं जाता हूँ इस टाइप का हो गया जाना से हो गया ठीक ना ये माला हम लोग किए हैं किससे किए हैं बाकी अनुवाद कर देते हैं जाना इसका क्या हुआ गच्छ से किया ठीक इसको नोट करो अब और भी देखते हैं दो फॉर्मेट दिख रहा है रे अच्छा है ना अनुवाद कर इस बार करेंगे हम लोग किसका करेंगे खाना का ठीक ना खाना खाना का संस्कृत होता है खाद क्या होता है खाद फाका दौलन खाद खाना खाना समझते हैं इस बार ठीक ना देखो जैसे चलो इसमें सब लड़का के लिए लेते हैं जैसे मान चलो कि वह खाता है वे दोनों खाते हैं देखो अब इसका अनुवाद तो क्या दे वह खाता है खाता किसमें लिखा रहेगा लड़का में लड़की खातिर क्या लिखा रहता है वह खाती है वे दोनों खाते हैं लड़का के लिए है लड़की लिखा रहता है वे दोनों खाती है वे लोग खाते हैं ये भी किसके लिए है लड़का के लिए है लड़की लिखा रहता है वे लोग खाती है अब देखो वह का क्या होता है लड़का के लिए सह खाना क्या लिखा है खाद खाना का खाद सह के साथ क्या लगाते हैं ती सह खाद ती वे दोनों क्या होता है लड़का के लिए तो खाना का खाद ठीक ना अब तो में क्या लगाते तह तो खाद तह वे लोग लड़का के लिए वे लोग कहता है सह तो ती खाना का खाद यहाँ हलंत यहाँ हटा देते हैं ठीक ना उसके बाद जो अंती ते खाद अंती वे लोग खाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेम चलता है ठीक ना यहाँ यहाँ से लेके यहाँ लड़का लड़की कुछ नहीं होता ये सभी के लिए है लड़का आ जाता है लड़की सब के लिए है तुम का होता है त्वम तुम का त्वम खाना का खाद और त्वम के समय होता है सी त्वम खाद सी तुम दोनों खाते हैं तुम दोनों का होता है यू युवाम क्या होता है युवाम और खाना क्या होता है खाद खाना का खाद युवाम के समान होता है थ विसर्ग खाद थ तुम लोग खाते हो तुम लोग खाते हैं युयम क्या होता है युयम खाद युयम के समान होता है थ अभी सब बता चुके बताए है ना युयम खादत मैं खाता हूँ मैं के संग में लगता है मैं का होता है अहम मैं का क्या होता है अहम खाना का होता है खाद और अहम के संग में होता है आमी आमी अहम खदामी क्या होगा तो हम दोनों खाते हैं हम दोनों का क्या बताया आवाम हम दोनों का आवाम खाना का होता है खाद आवाम के समय क्या लगता है आमी आव आमह क्या लगता है आव क्या लगता है आव ओ हटा दो आकर वो विसर्ग खदावह आवाम खदावह मतलब हम
दो खाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग का व्यायाम, हम लोग व्यायाम खाना के क्या होगा खाद, ठीक ना, खाना खाद आमी आव आम व्यायाम क्या करता है आम, वो हटा दो अगर विसर्ग आम व्यायाम खदाम व्यायाम खदाम फिर देखो इस बार देखते हैं ठीक ना पाठ पर पढ़ना पढ़ना क्या होता है पाठ पढ़ना क्या होता है पाठ ठीक है ना चलो पाठ पे देखते हैं क्या होगा यहाँ पे पहले लड़का के लिए देखते हैं चलो इस बार लड़की के लिए लेते हैं वह पढ़ती है वह आप बता अगर मान लड़का के लिए लिखेंगे क्या होगा वह पढ़ता है होगा ना लड़का के लिए क्या होगा वह पढ़ता वहाँ पढ़ती है वे दोनों पढ़ती है वे दोनों पढ़ती हैं वे लोग पढ़ती हैं तुम पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ते हो तुम लोग पढ़ते हो ध्यान रहे तुम लोग की जगह पे तुम सब भी हो सकता है ठीक ना तुम लोग या तुम सब या हम लोग या हम सब मैं पढ़ता हूं हम दोनों पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं अब देखो इसका संस्कृत तुम लोग क्लियर दिखाई दे रहा है ना सुलग सुलग का है। पढ़े दिखाई दे रहा है अटक भी रहा है क्या नहीं सर वह पढ़ती है तो लड़की के लिए वहाँ का क्या होता है सा लड़की के लिए वहाँ का सा पढ़ती का पढ़ना क्या होता है पठ हलंत हटा दो पठ सा के संग बनाते ती क्या गया सा पठती लड़की के लिए वे दोनों का स्त्रीलिंग के लिए वे दोनों क्या होता है ते वे दोनों का ते सब याद करना अच्छा ठीक ना कि बार बार काम आएगा ते पढ़ना क्या होगा पठ ते में क्या रहता है ये दो में क्या रहता है तह पठ तह वे लोग पढ़ती है स्त्री के लिए वे लोग का होता है सा ते तह पढ़ना का पठ संग में अंति तह पठंती तुम पढ़ते हो यहाँ से लड़का लड़की खत्म सब तुम का त्वम पढ़ना का पठ त्वम मिलाते सी पठ सी तुम दोनों पढ़ते तुम दोनों का क्या होगा युवाम युवाम पढ़ना का पठ और तुम दोनों में लगाते हैं युवाम में था पठ था ठीक ना तुम दोनों पढ़ते हो तुम लोग पढ़ते हो तुम लोग का होगा युयम क्या होगा युयम और पढ़ना का पठ और युयम के संग था युयम पठत तुम लोग पढ़ते हो मैं पढ़ता हूँ मैं का होता अहम मैं का अहम पढ़ना का पठ और आम के समय में रहता आमी पठामी अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों का था आवाम हम दोनों क्या होता है आवाम और पढ़ना का पठ आवाम के समय में रहता आवह आ वह आवाम पठावह हम लोग पढ़ते हैं हम लोग का होता वयम हम लोग का वयम पढ़ना का पठ उसके बाद वयम के समय में लगाते हैं आम वयम पठाम देखो नोट को समझ आ गया ना तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं बाकी आगे हम लोग जो कल देखेंगे तब तक के लिए जय हिंद सर याद हो गया बोलता